ये बोर्ड से मैं ऐसे इसको इवन आउट कर रहा हूँ और जहाँ तक दिख रहा है अभी तक एकदम होते जा रहे हैं आस्ते आस्ते। ऑल दो आई कैन टेल यू मेरा काम 100% परफेक्ट नहीं होएगा, पर जो जो घर के जो टूल्स है वो हिसाब से इट्स गोना गिव अ ग्रेट रिजल्ट। अभी धूप आ रही है, इससे बेटर सेटअप अपने लिए हो नहीं सकता है बॉस। दिस प्रोजेक्ट सो फार हैज़ बिन 100% सक्सेसफुल। एक टाइम ये हो जावे मैं वो सीड्स डालूं, स्टार्टर सीड्स, और अपना सॉड आएगा या ग्रास आएगा तो आपको दिखा दूँ। जब भी वो ट्रक लेके आएगी होपफुली मेरे सामने लेके आवे तो मैं आपको दिखा सकूँ। तो मैं नोट किया अगर मैं इसको आगे के बदले ये तरफ करूँगा ना तो और बेटर रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है वो तरफ पुश कर रहा हूँ तो मेरे जूते का जो प्रेशर आ रहा है उसके वजह से ऐसे गैप्स बनते जा रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा। तो ये मैं नोट किया एकदम मस्त, इससे अपना काम हो रहा है परफेक्ट। अब ये पूरे एरिया को ऐसे फ्लैटन कर रहा हूँ। अपना जीक भी बाहर आ गया, एज लॉन्ग एज ये लोग दोनों उधर रहे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये देखो वहाँ से मैंने वीट बैरियर हटा दिया। अपने बैकयार्ड का नंबर वन कल्प्रेट है वो स्पॉट, वहाँ ही हमेशा फ्लडिंग जमा होती है जिसके वजह से मेरा पूरा बैकयार्ड की बैंड बच गई। तो अभी प्लान ये है कि ये जितनी भी बैग्स बाकी बची है 3-4 रखूँगा क्योंकि शायद इधर काम में आ जावे, बट फॉर द मोस्ट पार्ट सब उधर ही खाली करने वाला हूँ। उधर भी थोड़ा लेवलिंग करूँगा, फिर ये वीट बैरियर है वापस ऊपर कवर कर दूँगा और फ्यूचर में देखते वो एरिया क्या करने का क्या। एक्चुअली क्या मैं गलती किया, मेरे को पहले ही सब बैग्स उधर ट्रांसफ़र करनी चाहिए थी, वहाँ से मेरे को चालू करके इधर आना चाहिए था। तो क्या मैं अपने डॉली पे लेके जा सकता था? ये एक एक बैग 40 पाउंड की है। तो क्या होता है ओवर टाइम जैसे ही आप उठाते जाओ ना तो ऐसे बॉडी ऐसे थोड़ी थकते जाती है और फिर थोड़ी बैंड बच जाती है। राइट गाइस, तो अभी अंदर 12 बज गए दोपहर का, उधर मैंने डाल दिया। अभी जो थोड़ी बहुत बैग्स बची है मैं सोच रहा हूँ इधर डालूँ और फिर क्या वो हिसाब से अपना पूरा बैकयार्ड लेवल आउट हो जाएगा। तो अभी खाना खाता हूँ और फिर उसके बाद वापस काम पे लगता हूँ। उसके बाद मेरे को काम पे जाने के अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे, शाम तक होपफुली अपना सॉड आ जावे और इसको हम लोग लगा दें। राइट गाइस, तो अपना घास आ गया अभी, तो ट्रक मैंने कैमरा के थ्रू देखा तो लोग को जाके बोलता हूँ ऐसे नहीं कोई दूसरे घर पर वो लोग ड्रॉप कर डाले, मेरे को फिर वहाँ से आके पिक करना पड़ेगा और मेरा काम बढ़ जाएगा। अपना घास आ गया वो वाले ट्रक में, तो वो उसकी जो मशीन है उस पर डाल के फोकलिफ्ट उससे सीधा अपने यहाँ ड्रॉप कर डाले। तो ये देखो गाइस, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपये का इतना ग्रास मिला अपने को। तो ये ग्रास का नाम है सेंट अगस्टीन ग्रास और जैसे आपको देख रहा है एकदम मस्त कंडीशन है। तो अभी आज शाम को मैं जब भी काम से आऊँगा फिर इसको हम लोग लगा दें और होपफुली अपना मस्त हो जाएगा। क्या बोलता है इस तो अपना ग्राउंड देखो गाइस, घास डालने से पहले तो जैसे आपको देख रहा है फॉर द मोस्ट पार्ट सब बैग्स खाली हो गई। ये मेरे ख्याल से 9-10 बैग्स बची है, इधर मैंने डाला नहीं क्योंकि आई फेल्ट आई डोंट नीड टू, तो जस्ट इन केस अगर डालने को आएगा फ्यूचर में तो नो प्रॉब्लम। पर एनीवेज उधर मैंने मस्त लेवल कर दिया, आई थिंक अपने फ्लडिंग का प्रॉब्लम तो टेक केयर हो गया। जीक और एस गुड बॉयज बने हैं दोनों, है कि नहीं? दोनों उधर शांति में बैठे थे, मेरे को थोड़ा भी तंग नहीं किया। तो काम पे जाने से पहले मैं इस पर थोड़ा पानी डाल के जा रहा हूँ क्योंकि ऐसी कड़क धूप में तो इसको शाम तक तो ऐसे एकदम प्रॉब्लम हो सकता है बॉस, तो मेरे को चांस लेने का नहीं है। तो इसको थोड़ा मॉइस्ट करके जाता हूँ, अपना घास मस्त बचेला रहे। तो ये वाले झाड़ के थोड़े ब्रांचेस काट रहा हूँ क्योंकि ये सन जब भी नीचे सेट होता है तो मेरे को चाहिए कि जो ये एरिया आपको शेड दिख रही है थोड़े आगे के ब्रांचेस काटूंगा तो अपने ग्रास को मस्त थोड़ा सनराइज मिलेगा, नहीं तो क्या ये एरिया में इसे मरते जाएगा इवेंचुअली। तो काम पे जाने से पहले जितना टाइम मैक्सिमाइज कर सकता हूँ कर रहा हूँ।
बॉस आज का अपना काम हो गया ख़त्म, अभी चल के बैकयार्ड को फिनिश कर दे। आप लोगों को मस्त एक्साइटेड हूँ मैं एंड रिजल्ट दिखाने के लिए। चल बस बस बस। तो अभी ये थोड़े ब्रांचेस काटे थे जाने से पहले, तो ये सब क्लियर करता हूँ, अपने लिए वे बनाता हूँ कि घास लेके आना चालू करता हूँ। पर पहले अपने टर्फ पे पानी डालने का और अपना फर्टिलाइज़र। तो ये फर्टिलाइज़र का स्प्रेडर है, तो ये बराबर ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या सब एरिया अपनी कवर हो जाएगी। क्या बोलता है जीके? ये लोग को कुछ खाने का, इन लोगों में अपना फेवरेट चीज खिला, मारी बिस्किट। अच्छा जी, आधे घंटे में ये लोग का वैसे भी खाने का टाइम है। एक चीज थोड़ी डिफरेंट की, एक्चुअली स्टार्टिंग से ही प्लान था पर करने को भूल गया, आपको दिखा दो। पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये रनवे बनाने को भूल गया था, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, जब भी स्क्वायरल जाते ये लोग सीधा ऐसे इधर से भागते, तो अगर इधर ग्रास होता था तो वैसे भी सत्यानाश हो जाता था। तो इसको मैं थोड़ा ब्यूटिफाई करूँगा। उधर मैंने एक लेयर निकाल दिया वीट बैरियर का, तो थोड़ा ग्रास एक्स्ट्रा उधर जाएगा, तो वहाँ मेरे को सॉइल अभी थोड़ा लूज़ करने का और फिर थोड़ा एक दो बैग उधर डालूंगा। तो गाइस अपना रनवे एकदम मस्त तैयार हो गया, उधर मैंने सॉइल लूज करके थोड़ा एक्स्ट्रा सॉइल ऐड कर दिया, अभी लगते हैं काम पे। थोड़ा पुशबैक हो गया यार, तो ये इट सीम्स 1000 स्क्वायर फीट तक कवर करेगा। तो इसका रीज़न ये होता है डालने का, तो देखो ग्रोज न्यू ग्रास 70% थिकर 35% क्विकर, तो ये ग्रास फूड है। तो अभी इसको इस पर स्प्रेड कर दे और फिर पानी डाल दे और फिर घास डालना चालू कर दे। ओके, तो ये पुल की हैंडल, तो जैसे आपको दिख रहा है ये इधर से इसे निकल दे यार। वो क्या फर्टिलाइजर नहीं तो अंदर थोड़ा डिसॉल्व होना चाहिए। ओके, मस्त। डॉग्स को दोनों अंदर, हीरो लोग को अंदर भेज दिया, नहीं तो फुल टाइम मेरे को गेट बंद करते रहने पड़ता। तो इसको अभी ट्रॉली पे लेके जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से अंदाज़ा 20-30 राउंड लगेगा, 20-30 राउंड में अपना काम हो जाएगा। क्या क्वालिटी है बॉस ग्रास का, ज़बरदस्त, एकदम मस्त मॉइस्ट है अभी तक और बहुत अच्छी क्वालिटी। अभी तक सेकंड राउंड है, थोड़ा डाउटफुल हूँ बॉस कि पूरा पड़ेगा कि नहीं अपने को, देखते। पर अभी तक देखो बॉस क्या मस्त ऑलरेडी ऐसे देख के इतना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ जाएगा। तो एक टाइम पे अंदाजा 10-12 लेके जा रहा हूँ। ग्रास अपने को पूरा पड़ेगा, बस मेरे को इनिशियली लगा कि नहीं पड़ेगा, पर बहुत मस्त, मज़ा आएगा।